स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी। हेमंत सोरेन की सरकार में यह दूसरी बार होगा जब बिना विधायक बने किसी को सीधे मंत्री बनाया जाएगा। बेबी देवी 3 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। पति जगन्नाथ महतो के निधन के 3 महीने के बाद वह मंत्री बनने जा रही हैं। बीच में चर्चा उनके बेटे अखिलेश महतो के नाम की भी खूब हुई थी, लेकिन आखिरकार बेबी महतो का नाम फाइनल हो गया। इससे पहले झारखंड में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया गया था। हफीजुल जब मंत्री बने थे तब वह विधायक नहीं थे। मंत्री बनने के बाद ही वह चुनावी मैदान में गए थे और बीजेपी उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को 5,247 वोटों से हरा दिया था। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को इलाज के दौरान जगन्नाथ महतो का निधन हैदराबाद में हो गया था। उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा थी कि चुनाव से पहले ही घर के किसी सदस्य को मंत्री बनाया जाएगा। पहले नाम जगन्नाथ महतो के इकलौते बेटे अखिलेश महतो का सामने आया। अखिलेश लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव भी हो गए। वे लगातार लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में जुट गए थे, लेकिन उसके बाद यह बात भी सामने आई कि अखिलेश महतो की अभी उम्र कम है। उसके बाद से ही बेबी देवी का नाम लगातार सामने आने लगा। 1 महीने के अंदर बेबी देवी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिल चुकी थी। जानकारी के अनुसार शिबू सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वही मंत्री बनेंगी। अब जब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि बेबी देवी ही मंत्री बनेंगी और 3 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी, तो जाहिर है सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है कि अगले 3 महीने के अंदर डुमरी में जो उपचुनाव होगा वहां उनके सामने उम्मीदवार कौन होगा। जो जानकारी है उसके अनुसार रामगढ़ और मधुपुर उपचुनाव की तरह आजसू और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को ही डुमरी के उपचुनावी मैदान में उतारेंगे। यह भी लगभग साफ है कि बेबी देवी का सामना आजसू की एक महिला उम्मीदवार से ही होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन 2019 के चुनाव में जगन्नाथ महतो के सामने आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी ही थी। 2019 के चुनाव में यशोदा देवी आजसू उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। हालांकि वो भारी अंतर के साथ दूसरे नंबर पर थी। उस चुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे, वहीं यशोदा देवी को 36,840 वोट प्राप्त हुए थे। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते विधानसभा चुनाव में मिले वोट के अनुसार अगर भाजपा और आजसू साथ आते हैं तो झामुमो के लिए मुश्किल होगी। बीते चुनाव में भाजपा के प्रदीप साहू को 36,013 वोट मिले थे। अगर यशोदा देवी के वोट में प्रदीप साहू के वोट को जोड़ दिया जाए तो यह 72,853 हो जाता है, जो कि दिवंगत जगन्नाथ महतो के वोट से काफ़ी अधिक है। हालांकि आंकड़ों की ये बाजीगरी मधुपुर में की गई थी, लेकिन वहां पर फेल हो गया था। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in